हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल केम छो एंड कसा का है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार सोनिक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद। एंड आज हमारे सामने आई है ये इनोवा क्रेस्टा 2021 वेरिएंट, जिसके अंदर हम एक अमेजिंग टच स्क्रीन सिस्टम अपग्रेड करने वाले हैं। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो स्टॉक सिस्टम आता है बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंड ऑर्डिनरी हेड यूनिट आता है, मैं बोलूँगा नहीं आपको डायरेक्ट बताऊँगा। आइए गाड़ी के अंदर। अभी आप देख सकते हो कि हाउ इज़ दिस स्टॉक सिस्टम फर्स्ट गाड़ी के अंदर। मैं जैसा इसे इधर ऑन कर रहा हूँ आप देख सकते हैं इधर टोयोटा लोगो आ रहा है, अमेजिंग। बट आप देख सकते हो दिस इज़ नॉट अ कैपेसिटिव टच स्क्रीन सिस्टम, इट इज़ वेरी हार्ड टच ओवर हियर। बेसिक सिस्टम के अंदर इट डजेंट हैव एनी हाई एंड फीचर्स क्योंकि स्टॉक सिस्टम है, खाली स्क्रीन साइज़ भी छोटा है, 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज़ है। बट इट हैज़ ओनली टच स्क्रीन है, वो भी नॉट हार्ड रेसिस्टिव कैपेसिटिव टच, ये एकदम हार्ड टच है रेसिस्टिव टच। इट हैज़ ओनली पेन ड्राइव, इट हैज़ ओनली ब्लूटूथ, इट हैज़ गॉट कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो एंड अ प्लेन रिवर्स कैमरा, दैट इज़ मैं रिवर्स गियर लेने पर सिर्फ एक प्लेन कैमरा दिखाई दे रहा है, दैट्स इट। आज हम ये सिस्टम को एज इट इज़ निकाल कर प्लग एंड प्ले सॉकेट टू सॉकेट इधर देने वाले हैं प्रॉपर 8-कोर एप्पल कार प्ले सिस्टम विच इज़ ए 9-इंच स्क्रीन साइज, जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्ले स्टोर एक्सेस, लाइसेंस वर्जन एंड्रॉयड आएगा आपको, इसके अलावा कार प्ले रहेगा उसके अंदर इनबिल्ट। एंड द बेस्ट पार्ट, इट जस्ट वॉन्ट हैव दिस रिवर्स कैमरा इन इट, इट विल बी गिविंग यू अ प्रॉपर 360 कैमरा। भाई आपको खाली वेट करना है, ये काम हुए जब तक एक्साइटमेंट बनाए रखिए, काम होने के बाद मैं आपको इसके अंदर जो हम ये सेटअप कर रहे हैं आपको बताऊंगा एंड आई एम वेरी श्योर यू वुड लव इट। सो स्टे ट्यून एंड लेट अस जस्ट गेट दिस वर्क स्टार्टेड। तो गाइस अभी हमारा पूरा ये म्यूज़िक सिस्टम एंड 360 कैमरा का इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से हो गया है ख़त्म। राइट नाउ वी आर इन दिस ओपन ग्राउंड ओवर हियर टू डू द कैलिब्रेशन। आप देख सकते हो दैट हमारे चारों तरफ ये ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स मैट्स ऑलरेडी लेड डाउन है एट अ प्रॉपर डायमेंशन, जो प्रॉपर कैमरा से परफेक्ट एंगल पे होना चाहिए। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं कैलिब्रेशन करके क्या फ़ायदा है एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ कैलिब्रेशन, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ बेसिकली बिफोर कैलिब्रेशन किस तरीके से गाड़ी का बर्ड व्यू दिखता है एंड कैलिब्रेशन होने के बाद उसका किस तरीके से होता है। आइए गाड़ी के अंदर। तो आप अभी देख सकते हो दैट दिस इज द प्रॉपर 360 कैमरा सेटअप ओवर हियर। अगर आप नज़दीक आकर देखोगे द बर्ड व्यू इन दिस कार इज वेरी मच डिस्टॉर्टेड, मतलब नीचे मेरे जो मैट्स है वो मैट्स तो एकदम स्ट्रेट लेवल पे बैठे हैं, दैट इज़ आप इधर देख सकते हो मैट्स इधर प्रॉपर स्क्वायर शेप में है, बट वो डिस्प्ले में इधर ऐसा क्रूकेड क्यों आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज गाड़ी के अंदर कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। तो गाइज अभी हमारा कैलिब्रेशन हो चुका है पूरा। अभी अगर आप देखोगे आफ्टर द कैलिब्रेशन इज़ डन ऑन द स्क्रीन यू विल फाइंड दैट ये जो चारों मैट्स हमारे जो क्रूकेड दिखाई दे रहे थे एकदम डिस्पर्स, अभी प्रॉपर स्क्वायर शेप में आ चुके हैं, मैट्स वही सेम जगह पे लेटे हुए हैं जहाँ पर पहले थे। बट राइट नाउ यू कैन सी हाउ नीट इज़ द प्रॉपर बर्ड व्यू कैलिब्रेशन ओवर हियर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो 360 कैमरा के इंस्टॉलेशन में एक काम करती है, बिना आप प्रॉपर कैलिब्रेट करे 360 कैमरा वेस्ट है पूरा। तो इसीलिए खाली नेम से एक 360 डालकर कोई फ़ायदा नहीं है भाई, उसे प्रॉपर कैलिब्रेशन भी करना आना चाहिए तभी उसका वो प्रॉपर मज़ा आता है, वैसे तो कोई भी डाल सकेगा वरना 360 कैमरा। अब मेरे नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा द एंटायर हेड यूनिट के फीचर्स, इसके अंदर हमने जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम डाला है उसके फीचर्स एंड इसके अंदर जो कार प्ले हमारा इनबिल्ट है, जी हाँ फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम विद कार प्ले, तो उसके भी पूरे फीचर्स, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस अभी हमारा ये सिस्टम हो चुका है पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड, आपने ये भी देखा है कि हमने कैलिब्रेशन किस तरीके से करा है एंड कैलिब्रेशन से पहले एंड बाद में कितने अमेजिंग रिजल्ट्स थे।
तो नाउ इट इज रेनिंग हेवीली आउटसाइड, इट स्टार्टेड रेनिंग, ड्रिजलिंग हो रही है. मैं आपको क्विकली कैमरास किस तरीके से इसमें इंस्टॉल्ड है बताऊंगा, एंड देन क्विकली विल गो इनसाइड एंड सी द सिस्टम. आप देख सकते हो सामने का कैमरा हमने इधर ये बम्पर के तरफ में फिट करा है. दिस इज द कैमरा ओवर हियर जो सामने का पूरा रिकॉर्ड करेगा. साइड मिरर्स के अंदर दिस इज द कैमरा विच इज बीन इंस्टॉल्ड. खाली आप फिनिशिंग देखिए गाइस कितना स्नग फिट है. आपको एक सिंगल mm सूता गैप नहीं मिलेगा बिटवीन द मिरर एंड द कैमरा. द बेस्ट पार्ट इज पीछे के तरफ में हमने कंपनी के ही प्रोविजन में ये ओरिजिनल ये कैमरा डाला है. आप देख सकते हो कि इधर एक सिंगल पर्सन हमने एक्स्ट्रा एक और एक कैमरा नहीं बिठाया है, ओरिजिनल प्रोविजन के अंदर एज इट इज फिट हुआ है. तो क्विकली अभी गाड़ी के अंदर आइए एंड मैं आपको एक्साइट करूँगा बाई दीज अमेजिंग फीचर्स जो हमारे नए सिस्टम के अंदर है. भाई सबसे पहले तो दिस सिस्टम इज प्रॉपर 9 inches कैपेसिटिव टच स्क्रीन सिस्टम. सिस्टम के अंदर हमें बेसिक पेनड्राइव बॉक्स, रेडियो, ब्लूटूथ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, प्ले स्टोर एक्सेस है, सब चीज़ है जो एक नॉर्मल सिस्टम में एंड्रॉयड सिस्टम में होता है. मैं आज आपको ये सिस्टम के इन डिटेल्स वो सब बात नहीं करूँगा क्योंकि अगर आपको वो सब देखना है तो मैं आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन पर डाल रहा हूँ, आप वो लिंक को क्लिक करिए एंड वो सिस्टम के डिटेल्स इन डिटेल बताएगा आपको. मतलब राइट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स जो हमने ये गाड़ी के सिस्टम में डाला है दैट मेक्स इट यूनिक. सबसे पहले आता है 360 कैमरा. अगर मैं रिवर्स गियर डाल रहा हूँ तो पहले आपने देखा कि कैसे सिर्फ रिवर्स कैमरा आता था. नाउ यू कैन सी दैट इधर रिवर्स कैमरा भी आ रहा है एंड साथ में इधर बर्ड व्यू कैमरा भी आ रहा है. कम क्लोजर एंड हैव अ लुक. ये आपको प्रॉपर रिवर्स व्यू है, दिस इज द बर्ड व्यू. मैं रिवर्स गियर से हटाते ही दिस इज द एंटायर फ्रंट व्यू. मैं राइट इंडिकेटर डालता ही ये पूरे राइट साइड टायर, यू कैन सी द टायर टर्निंग, राइट साइड गाड़ी का पूरा व्यू है. मैं लेफ्ट इंडिकेटर डालता ही दैट इज द एंटायर लेफ्ट साइड कार, यू कैन सी मूविंग, दैट इज द एंटायर व्यू. प्लस दिस इज द बर्ड व्यू ओवर हियर गाइस. हम आपको खाली समझाने के लिए कि क्लैरिटी कैसा है एक शॉट राउंड मार के आएंगे. आप खाली स्क्रीन पर फोकस बनाए रखिए. मैं जब रिवर्स गियर लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि हाउ द अमेजिंग रिवर्स की क्लैरिटी है इधर. यू कैन सी अमेजिंग, मतलब कहीं पर भी एक सिंगल लैग नहीं, कुछ भी नहीं. प्लस हाउ अमेजिंगली इज दिस 360 कैमरा ऑल्सो शोइंग ओवर हियर. इसके अलावा मैं जब रिवर्स गियर से हटा के सामने लेना शुरू करूँगा तो मुझे सामने का पूरा व्यू आ जाएगा. इधर मैं राइट इंडिकेटर डालूँगा तो पूरा राइट साइड के गाड़ी का हमें पूरा व्यू मिल जाएगा जो पूरा दिखाई देगा. राइट इंडिकेटर हटाते ही फ्रंट व्यू आ जाएगा. देन उसके बाद मैं लेफ्ट इंडिकेटर अगर डालता हूँ तो लेफ्ट साइड का पूरा व्यू आ जाएगा. एंड सिमिलरली लेफ्ट इंडिकेटर हटाते ही कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगा. तो आपने देखा हाउ अमेजिंग इज दिस सेटअप ओवर हियर. इसके अलावा गाइस हमारा ये जो सेटअप है इट नॉट ओनली जस्ट शोज यू द बर्ड व्यू विद अ 360 व्यू. हमारा ये जो सेटअप है इट विल ऑल्सो कीप रिकॉर्डिंग ऑल द 4 साइड्स एज एंड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. कल के दिन अगर सपोजिंग कुछ एक्सीडेंट होता है तो दिस सिस्टम विल एज इट इज रिकॉर्ड ऑल द 4 साइड्स ऑफ द कार एंड आपको एक सिंगल स्क्रीन के अंदर स्टोर करते रहेगा. तो कल के दिन अगर समझो कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है मैं इसी सिस्टम के अंदर रिवाइंड करके प्ले करके देख सकूँगा. मतलब सेफ्टी भी आ गया, सिक्योरिटी भी आ गई है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी तो बेस्ट यूज़ होती ही है हमारे पास. इसके अलावा द वन मोर थिंग जो हमने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करा है इज द TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम. गाइज आप देख सकते हो हमने एक सिंगल पर्सन कोई भी यू नो एक्सटर्नल डिवाइसेस नहीं लगाए. आप बाहर आके देखिए टायर के पास हमने इंटरनल सेंसर्स लगाए हैं. आप अगर कोई भी टायर के नॉजल में देखोगे तो दीज आर द प्रॉपर TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सेंसर्स. वो कोई भी एक सिंगल पर्सन बाहर के तरफ से लगे हुए नहीं है. दिस इज जस्ट लाइक अ रेगुलर वॉल्व. आप नज़दीक आके देखिए तो हम नॉर्मल जैसा वॉल्व को निकालते हैं हमने सेम इसी वॉल्व को निकाला है. हवा भर के नॉर्मल डाल सकते हैं तो फ्लिक हुआ करने का कोई स्कोप ही नहीं है बिकॉज दीज आर इंटरनल सेंसर्स. बट इसका जो डिस्प्ले है आइए गाड़ी के अंदर. हमारे सिस्टम के अंदर देर इज़ एन एप्लीकेशन ओवर हियर कॉल्ड TPMS. मैं जब ये ऐप ओपन कर दूंगा इट विल शो मी द इंडिविजुअल प्रेशर्स इन ईच टायर. अभी आप देख सकते हो हमने जानबूझ के हर एक टायर में अलग अलग प्रेशर रखा है
ताकि चेक करें कि एक्यूरेसी है कैसी। आप देख सकते हो द रेयर राइट टायर हैज़ गॉट वेरी लो प्रेशर राइट नाउ, हवा उसमें बहुत ज़्यादा कम है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ ब्लिंकिंग इन रेड कलर। तो इसका मतलब है भाई हवा कम है, जल्दी जाओ भरा लो। इसके अंदर अबाउट टू बी लेस है, आप इसके अंदर सेटिंग्स में जाकर यू कैन सेट कि भाई व्हाट शुड बी द हाईएस्ट प्रेशर इंडिकेशन, व्हाट शुड बी द लोएस्ट प्रेशर इंडिकेशन। अकॉर्डिंग टू दीज सेटिंग्स इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू द अलर्ट्स ओवर हियर इन द सिस्टम। इज़न्ट इट कूल गाइस। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे पास सिस्टम के इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमने सिस्टम के अंदर डाला है प्रॉपर कारप्ले ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। मतलब अगर मैं मेरा इधर एज इट इज़ खाली एक आईफोन कनेक्ट कर देता हूँ सिस्टम के अंदर जस्ट बाय नॉर्मल डेटा केबल, आप देख सकते हो दैट द एंटायर यूआई ऑफ द सिस्टम विल ट्रांसफॉर्म टू अ कंप्लीट आईओएस यूआई। दिस इज़ कॉल्ड एप्पल कारप्ले गाइस। मतलब 10 इंच के सिस्टम में आज हमें प्रॉपर कारप्ले भी आ रहा है और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिल रही है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मेरा पूरा स्पोटिफाई इधर एज इट इज़ परफेक्टली ट्यून हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। मुझे जो भी इधर ऐप्स वगैरह चाहिए आई कैन सिंपली यू नो ब्राउज थ्रू ऑल ऑफ देम एंड सिंपली इसके थ्रू प्ले कर सकता हूँ। मेरा गूगल मैप्स लिटरली सुपर स्पीड पे चालू हो जाएगा। आज तक इतना स्पीड गूगल मैप्स मैंने किसी भी ऐप के थ्रू नहीं देखा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक्सपीरियंस ऑफ द सिस्टम इज़ अमेजिंग। बेसिक एंड्रॉयड सिस्टम के फीचर्स तो पूरे आ रही है, अगर आपको वो फीचर्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करिए। एंड व्हाट मेक्स दिस सिस्टम इवन मोर स्पेशल आर द प्लगइन्स जो हमने इसमें इंस्टॉल करे, दैट इज़ द TPMS, जो कारप्ले इंटीग्रेशन है एंड द 360 कैमरा। अमेजिंग सेटअप गाइस, इजंट इट। अगर पसंद आया हो तो लाइक दबाइए, शेयर करिए एंड यस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू शो यू अमेजिंग प्रोडक्ट्स एवरी डे। दिस इज़ नमन गुप्ता हियर साइनिंग अप फॉर कार सोनिक सिकंदराबाद। थैंक यू सो मच।